तो इसमें देख लेते हैं प्रॉपर्टी, क्या देख लेंगे प्रॉपर्टी। अब आ जाओ प्रॉपर्टी पे, तो थर्मोडायनामिक की प्रॉपर्टी है दो, कौन है दूरी, एक तो है इंटेंसिव, एक तो हो गई इंटेंसिव, इंटेंसिव, और दूसरी हो गई एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कितनी होगी, दो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, बस बन रहा है। चलो अब देख लेते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई। तो एक तो हो गई इंटेंसिव, दूसरी हो गई एक्सटेंसिव, ये थर्मो के पार्ट हैं, हवा न लगे तो इनको देख लेना यहाँ से, ये थर्मो के भी पार्ट हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। अच्छा अब इंटेंसिव देख लो और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव में आई एन पहले है, एक्सटेंसिव में ई एक्स है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या निकली यहाँ से वो देख लेते हैं। इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब है इनडिपेंडेंट ऑफ मास, इन डिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब जो चीजें मास पे डिपेंड ना हो वो होंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास किसको बोलते हैं, मास किसी वेट को, किसी वजन को, किसी वस्तु को बोलते हैं जो जिसको आप टच कर सको, छू सको, देख सको, उसका वेट कर सको, वो है मास। बात समझ में आ रही है। इधर है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव क्या है, डिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे डिपेंड करेंगी वो है आपकी एक्सटेंसिव। चलो ये हो गया, अब इसके देख लेते एग्जांपल क्या है इंटेंसिव के और एक्सटेंसिव के। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आपकी ऑल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो क्या है, और एनर्जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनथैल्पी और इनट्रॉपी ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे आप जो है कहीं मोशन करो फिर वहां जो ऊर्जा निकले उसको काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज में स्थिति ऊर्जा, और एनर्जी तो आप समझ रहे हैं, इंट्रोपी और एंथैल्पी समझ लेते हैं। इंट्रोपी का मतलब वो हुआ कि जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला है वो है आपकी एंट्रोपी, जो धुआं निकल